हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने ड्रिप वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ क्या होता है, आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो होता है ना, वो करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। आई मीन कोई भी कंडक्टर है तो उसके एंड के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही उसके थ्रू क्या होगा, करंट फ्लो होगा, है ना। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, देखो पहले बाद में हम वहाँ आएंगे, पहले हम जानते हैं कि कोई भी यदि मटेरियल दिया हुआ है ना, तो उसके लिए रिलेशन क्या होता है। इवन तो हमने ये रिलेशन किसके लिए प्रूव किया था, कंडक्टर कंसिडर करके, कि करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बोलते हैं, जो हम पहले देख चुके हैं। तो सिग्मा करंट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये वेक्टर फॉर्म में। और ये मैंने बताया था कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, सेम होता है ना। क्यों? क्योंकि करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब इसका जो कंडक्टिविटी, आई मीन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है, उसको हम पढ़ते हैं सीमेंस पर मीटर। क्या पढ़ते हैं हम, सीमेंस पर मीटर, और ब्रैकेट में एस पर मीटर। तो ये भी मैंने बताया था कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। अब क्या होता है कि देखो यहां से कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, ओम्स ने क्या बताया था, बेसिकली ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द ओम्स लॉ, ठीक है, क्या है, इसी को हम ओम्स लॉ बोलते हैं। तो ओम्स ने क्या बताया था कि करंट डेंसिटी फॉर एनी मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इनसाइड द मटेरियल। क्या होता है, ओम्स ने क्या बताया था कि करंट डेंसिटी इन एनी मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इनसाइड द मटेरियल, एंड दैट कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि देयर इज ए रिलेशन बिटवीन, देयर इज ए लीनियर रिलेशन बिटवीन क्या होगा, करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद उन्होंने ये भी स्टेटमेंट, देखो यहां से आप बोल सकते हो, मैंने ये बताया था कि जब क्या बताया था कि करंट डेंसिटी जो होता है, करंट डेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है वो क्या चीज पर डिपेंड करता है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एज वेल एज टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या होता है, डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता है। ये किसके केस में होता है, कंडक्टर के केस में होता है, फॉर गिवन रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उन्होंने, ओम्स ने क्या बताया था कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट डेंसिटी इन एनी मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल हम याद कर सकते, ऐसे बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कि कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज इनडिपेंडेंट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड द मटेरियल। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट डेंसिटी करंट डेंसिटी इन एनी मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड द मटेरियल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग इनसाइड द मटेरियल
ठीक है, यही उन्होंने बताया था। ये ओम का फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो आप लोग 10th क्लास में नहीं पढ़े हैं, 10th क्लास में जो स्टेटमेंट पढ़े होंगे मैं वहां आऊंगा। तो ये कभी कभी क्या है, जब आप मोर देन वन ऑप्शन दिया रहता है, जैसे आप एडवांस का एग्जाम दोगे तो वहां मोर देन वन ऑप्शन दिया रहेगा, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐसा नहीं है कि वी इक्वल टू आई आर जो होता है वो भी करेक्ट है, वो दोनों के लिए हो। बाद में हम देखेंगे कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिनके लिए क्या होता है, ओम्स लॉ वैलिड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ओमिक ओमिक मटेरियल्स बोलते हैं, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनको नॉन ओमिक मटेरियल्स बोलते हैं। तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू, इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल हम याद बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ है ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन साइड द मटेरियल। तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, दैट इज क्या बोल सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू क्या होगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन साइड द मेटेरियल, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज इंडिपेंडेंट विथ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एग्जिस्टिंग इनसाइड द कंडक्टर इन जनरल। क्योंकि उन्होंने ओम्स ने क्या बताया था कि कंडक्टर के लिए क्या होता है कि फॉर वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करने लगेगा तो वहां ओम्स लॉ जो होता है वो क्या होता है, इनवैलिड हो जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये ओम का जो मेन स्टेटमेंट जो है, जिसको माइक्रोस्कोपिक स्टेटमेंट बोलेंगे, ये कि क्या है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द गिवन मटेरियल। इसके बाद हम जानते हैं कि अब हम क्या करेंगे। देखो हमने क्या किया है इसमें कि एक कंडक्टर कंसीडर किया है ना, हमने एक कंडक्टर लिया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है, इसका लेंथ क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। अब इस कंडक्टर को हमने एक बैटरी से क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है। तो आपको भी मालूम है कि जब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो कंडक्टर के थ्रू क्या होगा, करंट फ्लो होगा, कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होगा और कंडक्टर के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने जैसा कि बताया था अभी, देखो हम जानते हैं कि यहां लिख सकते हैं, पहले तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी अपॉन एल लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये बताया था कि क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो वी अपॉन क्या होगा, एल। वी क्या है, यू बोल सकते हैं कि ईएमएफ ऑफ द बैटरी, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ईएमएफ ऑफ द बैटरी अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन अभी हमने देखा था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कि मैं स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूं, जे इक्वल टू क्या था, सिग्मा इनटू ए। अब जे को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई अपॉन ए, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू एरिया, करंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, और दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ई के जगह हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द बैटरी डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो हम यहां लिख सकते हैं वी अपॉन क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं। इसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं, आई अपॉन ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई अपॉन ए इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन रो, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, और दिस इज इक्वल टू दिस और वी अप इनटू वी अपॉन एल। अब यहां आप ध्यान से देखना,
हम ऐसे लिख सकते हैं V equal to, I mean EMF of the battery, अभी हमने यहाँ consider किया, क्योंकि EMF of the battery is equal to क्या होगा? Potential difference across the end of the conductor. तो V is equal to, क्या हो जाएगा? Rho L upon A into क्या हुआ? I. ठीक है, क्या हुआ? Rho L upon A. I mean EMF of the, I mean potential difference across the end of the conductor. Potential difference across the end of the conductor is equal to resistivity into length of the conductor divided by cross sectional area into I. अब यदि हम temperature को क्या करें, constant consider कर लें, I mean for a given temperature and given material, we can say that the V is directly proportional to I or I is directly proportional to V. जो आप 10th class में जो statement पढ़े थे, तो 10th class में आपने क्या statement पढ़ा था उसको हम देखेंगे, ठीक है? तो यहां से तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, V is equal to, देखो क्या होगा, V is equal to, इसको हम क्या बोलते हैं, this is called rho L upon A is called resistance of the conductor, इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, R से, तो R into क्या हो जाएगा, I, तो this is Ohm's law है ना, where R is, यहां मैं लिख देता हूं, where R is called, R को हम क्या बोलते हैं, R is called resistance of the conductor, resistance of the conductor, and इसको सिंपल हम ऐसे बोल सकते हैं, it is the property of an object, क्या होगा, it is the क्या होगा, it is the property of an object by which object resists the flow of current through it. ये किसी भी object का material का property नहीं होता है, क्या होता है, object का conductivity जो है वो क्या है, material का property होता है, लेकिन resistance जो होगा वो material का property नहीं होता है, वो किसी भी object का property होता है. आप देख सकते हैं कि R जो होगा वो क्या क्या चीज पे depend करेगा, rho L and A. बाद में हम देखें कि factor कौन कौन सा फैक्टर है जो रेसिस्टेंस को क्या करता है, अफेक्ट करता है, तो रेसिस्टेंस ऑफ द क्या होगा, वेयर आर इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, एंड हम बोल सकते हैं इट इज द क्या होगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट by virtue of which या by virtue of which it opposes the flow of current, ठीक है. अब इसका जो यूनिट होगा, इसका जो यूनिट क्या होता है, ओम होता है, हम यहां लिख सकते हैं एस आई यूनिट ऑफ, एस आई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम, ओ एच एम, और इसका जो सिंबल होता है जो आप 10th क्लास में जानते हैं. अभी हम इसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल नहीं देखेंगे, और आर का जो वैल्यू होगा याद रखना है आपको, बाद में हम इस पे आते हैं, रो एल अपॉन क्या होगा, ए, I mean resistance of a conductor is equal to resistivity into length divided by area. Kya hoga? R equal to rho L upon A, where rho is resistivity, L is the length of the conductor and A is cross-sectional area of the conductor. ठीक है? अब हम आते हैं कि ओम्स ने, यहां से देखो ओम्स ने क्या बताया था, कि हम सेकेंड स्टेटमेंट लिख लें उसका, कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यदि हम किसी भी कंडक्टर को कंसिडर करें, देखो यही क्या है, कंडक्टर है, हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं उसको, यही एक कंडक्टर है, इसके थ्रू करंट आई फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसका ए एंड ए है और दूसरा एंड क्या है, बी है. तो ओम्स ने क्या बताया था कि करंट फ्लोइंग थ्रू एट गिवन टेम्परेचर, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर. तो हम यहां से लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स
लॉ, करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। एंड ऑफ द कंडक्टर इसका मतलब देखो, ये कंडक्टर है तो हम मान ले यहां पोटेंशियल क्या है, ए बी, यहां भी है और यहां क्या है, भी भी है। तो हम बोल सकते हैं, हम यदि यहां मान ले देखो भी इज इक्वल टू वी ए माइनस बी बी, तो हम लिख सकते हैं कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और सिंपल लिख सकते हैं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और वी इज इक्वल टू क्या होगा, आई आर। ठीक है, क्या होगा, वी इज इक्वल टू आई आर। हर जगह कोई जरूरी है कि ईएमएफ ऑफ द बैटरी होगा, इसलिए मैंने आपको यहां जनरल, ये क्या है, कोई भी कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है, इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। तो ओम्स ने क्या बताया था, ओम्स ने बताया था कि करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। आई मीन जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही क्या होगा, करंट ज्यादा फ्लो होगा। ठीक है, तो हमने वही लिखा है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट फ्लोइंग थ्रू द एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट यहां लिख लेना कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो वी ए क्या है, वी ए माइनस वी बी, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, एंड हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो ए रिजल्ट है। ठीक है, जो आप 10th क्लास में पढ़े हैं। अब देखो यहां क्या है, यदि क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि आर, मैंने बताया कि आर का रेंज, आर का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, ओम होगा, आई क्या है, करंट है। अब कभी कभी क्या है कि आपसे, यदि देखो यहां ध्यान से, यदि दिया हुआ हो, दो ग्राफ दिया जा सकता है, कीप द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द कंडक्टर ग्राफ दिया हुआ हो तो उसे क्या मिलेगा। तो यहां हम बोल सकते हैं कि यदि आप वी वर्सेस आई का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या मिलेगा, लीनियर स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, लीनियर स्ट्रेट लाइन। तो आप देखो यहां, यदि हम ये I mean यहां हमने भी लिख दिया और यहां क्या लिखा, आई। ठीक है, पोटेंशियल वी वर्सेस आई ग्राफ, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द कंडक्टर वर्सेस करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है। तो आप देखोगे कि ये जो ग्राफ होगा, आप ड्रॉ करोगे तो ग्राफ क्या होगा, V इक्वल टू आई आर, ये जो स्लोप होगा इस लाइन का, ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, रेसिस्टेंस। स्लोप इक्वल टू क्या होगा, रेसिस्टेंस। तो आप यहां से देख सकते हैं कि V वर्सेस आई ग्राफ दिया हुआ है, तो स्लोप से अपने को क्या मिलेगा, रेसिस्टेंस मिलेगा। क्या मिलेगा, रेसिस्टेंस मिलेगा। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो, तो यहां लिख सकते हैं कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द कंडक्टर वर्सेस करंट फ्लोइंग थ्रू through the conductor graph is given
देन स्लोप ऑफ द लाइन विल गिव रेसिस्टेंस। जितना ज्यादा क्या होगा स्लोप होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा रेसिस्टेंस होगा। और ठीक है क्या होगा ग्रेटर द वैल्यू ऑफ स्लोप एस ग्रेटर विल बी द रेसिस्टेंस एस एंड स्मॉलर विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन कंडक्टर। जैसे आप एग्जांपल एक देख लो कि यहाँ दिया हुआ है एग्जांपल के लिए क्या दिया हुआ है कि डिफरेंट टू मेटल्स थ्री मेटल्स के लिए दिया है या हमने वी मान लिया या आई मीन क्या है पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ फॉर थ्री डिफरेंट मेटल्स आर शोन इन द फिगर। देखो यही क्या है मेटल ए है दिस इज मेटल बी और दिस इज मेटल सी। ठीक है क्या दिया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल लिख देते हैं वी वर्सेस आई ग्राफ फॉर थ्री डिफरेंट मेटल्स आर shown in the figure. Then arrange their resistance in decreasing order। ठीक है देखो यही क्या दिया हुआ है आपको समझ में आया तीन मेटल है जिनके थ्रू क्या है करंट फ्लो हो रहा है और उनके बीच क्या है पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ फॉर थ्री डिफरेंट मेटल्स आर शोन इन द फिगर। ठीक है तो आपको ये बताना है कि रेसिस्टेंस जो है वो किस मेटल का ज्यादा होगा। तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि फॉर गिवन पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस स्मॉलर विल बी द क्या होगा करंट एंड वाइसे वर्सा। क्या होगा वाइसे वर्सा। अब यहां देखो v इक्वल टू क्या होगा आई आर। अब यदि मैं इसको थीटा ए मान लूं ठीक है इसको थीटा बी मान लूं और इसको थीटा सी मान लूं तो आपको मालूम है कि स्लोप से क्या मिलेगा। पहले यहां मैं सॉल्यूशन में लिख देता हूं स्लोप इक्वल टू क्या होगा स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा रेसिस्टेंस। ठीक है क्या होगा स्लोप विल बी इक्वल टू क्या होगा रेसिस्टेंस। देखो यहां स्लोप का मतलब क्या होगा टेन थीटा तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा स्लोप होगा यही होगा ना। अब आप देखो कि थीटा किसका बड़ा है तो हम यहां बोल सकते हैं कि थीटा सी इज ग्रेटर देन थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए। तो हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा सी इज ग्रेटर देन टेन थीटा बी इज ग्रेटर देन टेन थीटा ए। ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि आर सी इज ग्रेटर देन आर बी इज ग्रेटर देन क्या होगा आर ए। ठीक है क्या होगा आर सी इज ग्रेटर देन आर बी इज ग्रेटर देन क्या होगा आर ए। तो अब इसके बाद तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आर सी इज ग्रेटर देन आर बी इज ग्रेटर देन क्या होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है तो आपको स्लोप से मालूम चल गया। फिर से आप ध्यान से सुनो कि इफ वी वर्सेस आई ग्राफ इज गिवन पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस रेसिस्टेंस ग्राफ इज गिवन देन द स्लोप ऑफ द लाइन विल गिव द रेसिस्टेंस। ठीक है of the conductor then slope of the line will give resistance of the conductor greater the slope of the line
larger will be the resistance and vice versa. Greater the slope of the line, larger will be the resistance and vice versa. तो for given potential difference हम बोल सकते हैं कि greater the क्या होगा resistance, smaller will be the current flowing through the conductor and vice versa. तो ये पहला. दूसरा इसमें ये भी हो सकता है कि देखो यहां क्या दिया हुआ है कि if यहां देखो क्या होगा यदि second point देखो Ohm's law में यदि दिया हुआ है तो यहां हम लिख सकते हैं यहां देखो I versus क्या दिया हुआ है I mean current flowing through the potential difference. अब देखो यहां से यही क्या होगा थीटा एंड टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा स्लोप इक्वल टू यहां से क्या मिलेगा आपको देखो तो ये क्या है करंट करंट और यहां क्या है पोटेंशियल डिफरेंस पीडी याद रखना तो यहां से स्लोप से क्या मिलेगा आपने को देखो तो पहले हम यदि देखें तो v इक्वल टू क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ v इक्वल टू आई आर v क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर i क्या है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर r क्या है रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर तो हम यहां से बोल सकते हैं i इज इक्वल टू 1 अपॉन r इनटू v अब आप कंपेयर करोगे तो स्लोप इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन रेसिस्टेंस तो हम बोल सकते हैं कि 1 अपॉन रेसिस्टेंस ठीक है तो यहां हम क्या लिख सकते हैं इफ क्या लिख सकते हैं इफ करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ इज गिवन देखो ये दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है और क्वेश्चन पूछा जाता है इससे है ना इफ द करंट वर्सेस क्या दिया हुआ है यहां लिखेंगे इफ करंट फ्लोइंग through the conductor versus potential difference between the ends of the conductor is given then reciprocal of slope देखो यहां से क्या लिख सकते हो r is equal to 1 upon slope लिख सकते हो ना यहां से then reciprocal of slope will give resistance of the conductor तो देखो यहां क्या दिया हुआ है v versus क्या दिया हुआ है v versus i ग्राफ दिया i versus v ग्राफ दिया हुआ है तो स्लोप से क्या मिलेगा आपको स्लोप से रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप से क्या मिलेगा रेसिस्टेंस मिलेगा तो हम यहां मैं यहां लिख देता हूं कि resistance R is equal to 1 upon slope. ठीक है? ये चीज आपको ध्यान में रखना है. तो ये दो पॉइंट जनरली पूछा जाता है. पहला पॉइंट क्या था? कि यदि I versus V ग्राफ दिया हुआ है, sorry, V versus I ग्राफ, तो slope will represent resistance. If I versus V ग्राफ दिया हुआ है, and then reciprocal of slope will give resistance. जैसे एक एग्जांपल देखो, कि एग्जांपल देखो इस पे है ना कि करंट करंट फ्लोइंग थ्रू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर्स करंट फ्लोइंग थ्रू नहीं करंट वर्सेस सिंपल लिख देता हूं करंट वर्सेस पोटेंशियल
पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ फॉर थ्री डिफरेंट मेटल्स metals are shown in the figure. ठीक है? Then arrange their resistance in increasing order. देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है कि तीन मेटल है, डिफरेंट मेटल है, सेम मेटल नहीं है. ठीक है, क्या है? डिफरेंट मेटल है तो यहां हमने क्या लिखा, देखो आई मीन करंट और यहां पीडी पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, देखो क्या है यहां, ये इसको हमने मान लिया मेटल ए, दिस इज मेटल, मतलब ये जो ग्राफ है मेटल ए के करस्पोंडेंस है, एक जो ग्राफ आई वर्सेस बी ग्राफ दिया हुआ है मेटल बी के करस्पोंडेंस है, और दिस इज मेटल सी. ठीक है, आपको यहां रेसिस्टेंस जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, आपको अरेंज करना है. किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन में दिया हुआ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है. अब सबसे पहले क्या देखना है कि अभी कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप. अब आप देख सकते हो इसको हमने थीटा ए लिखा, इस एंगल को थीटा बी और इस एंगल को थीटा सी. तो यहां आप देख सकते हैं कि पहले तो हम लिख लेंगे कि रेसिस्टेंस सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि आई वर्सेस वी ग्राफ इज गिवन, देन रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप विल बी इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और मेटल. तो पहले क्या लिखेंगे कि रेसिस्टेंस, यहां लिख देता हूं रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 1/स्लोप. क्या होगा 1/स्लोप, हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 1/tan θ, ग्रेटर द स्लोप स्मॉलर विल बी द रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा. अब यहां से आपको देखने से मालूम चल रहा है कि थीटा सी इज ग्रेटर देन थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए. ये भी लिख सकते हैं कि tan थीटा सी इज ग्रेटर देन tan थीटा बी इज ग्रेटर देन tan θ a. तो हम बोल सकते हैं कि क्या होगा 1/, यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं देखो आर सी इज लेस देन आर ए, आर बी इज लेस देन आर ए, हो सकता है ना. तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर अब क्या होगा, रेसिस्टेंस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेसिस्टेंस. ठीक है, इसके बाद तो आपको यह मालूम चल गया कि आई वर्सेस वी ग्राफ दिया हुआ है तो जो स्लोप का रेसिप्रोकल होगा उससे अपने को क्या मिलेगा, रेसिस्टेंस मिलेगा. अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा, देखो एग्जाम ध्यान से कि आई वर्सेस या वी वर्सेस, देखो यहां से यहां आपको बताना है कि आई मीन करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ फॉर ए मेटल एट थ्री डिफरेंट टेम्परेचर,
डिफरेंट टेम्परेचर्स T1, T2 एंड T3 आर शोन इन द फिगर ठीक है. देन सिंपल हम लिख सकते हैं देन फाइंड रिलेशन अमोंग T1, T2 एंड T3. आपको शायद क्वेश्चन, अभी यहां क्या किया गया, सेम ही मेटल लिया गया है, सेम कंडक्टर, उसको क्या किया गया, डिफरेंट टेम्परेचर पे V वर्सेस I वर्सेस V ग्राफ ड्रॉ किया गया. क्या है, I वर्सेस V ग्राफ, आई मीन करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ ड्रॉ किया गया है. देखो ये ड्रॉ किया गया है, यहां करंट और यहां क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस. ए T1, T2 और T3, ठीक है. आपको क्या बताना है, इनमें रिलेशन बताना है कि रिलेशन क्या होगा, किसका मतलब कौन सा रिलेशन होगा. आई मीन T1, T2, T3 को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करो, ठीक है. तो अब यहां अगेन देखो ये क्या होगा, यदि मैं इसको θ1 मान लूं, इसको θ2 मान लूं, इसको θ3 मान लूं, तो हम बोल सकते हैं यहां सबसे पहले देखो क्या है. अब एक चीज और आपको ध्यान देना है कि यहां हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, रो एल अपॉन क्या होगा, ए. और हम बोल सकते हैं कि क्योंकि क्या होगा, आर, जैसे मैंने बताया था कि ये क्या होगा, जैसे जैसे आप क्या होगा, एस टी इंक्रीजेस, ठीक है, रो क्या होगा इंक्रीजेस एंड आर ऑल्सो क्या होगा इंक्रीजेस. जैसे जैसे आप क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, रेसिस्टेंस रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, टेम्परेचर होगा. तो हम यहां से बोल सकते हैं सिंपल कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टी. बाद में हम रिलेशन देखेंगे इसका कि ये टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है, पहले आप सिंपल समझ जाओ. तो हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टेम्परेचर फॉर कंडक्टर, याद रखना है. आई मीन ग्रेटर द टेम्परेचर, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेज एंड हेंस इट्स रेसिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज. क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए. अब देखो क्या है, अभी मैंने बताया था यहाँ कि स्लोप, आई मीन रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, 1/slope. तो हम यहां से भी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्लोप. बोल सकते हैं क्या, क्योंकि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टी होगा. तो ग्रेटर द स्लोप ऑफ द लाइन, स्मॉलर विल बी द टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा. तो आप यहां से बता सकते हो कि टेम्परेचर, आपको समझ में आया कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ द लाइन. तो आप यहां से बता सकते हो कि हम बोल सकते हैं कि ग्रेटर द क्या होगा टेम्परेचर, मोर विल बी द रेसिस्टेंस एंड वाइस वर्सा. तो यहां देखो कि हम बोल सकते हैं कि tan theta C इज ग्रेटर देन tan theta B इज ग्रेटर देन tan theta A. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि T3 इज लेस देन TB इज लेस देन TA. आई मीन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेसिस्टेंस. ठीक है, आप उसी तरह, मैं एक दूसरा क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, आप ट्राई करना. ठीक है, होमवर्क क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ फॉर थ्री डिफरेंट टेम्परेचर फॉर ए मेटल्स आर गिवन. क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस, एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ एट थ्री डिफरेंट टेम्परेचर, थ्री डिफरेंट टेम्परेचर, पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट ग्राफ एट थ्री डिफरेंट टेम्परेचर्स T1, T2 एंड T3 फॉर ए मेटल इज शोन बिलो. देन फाइंड रिलेशन अमोंग T1, T2 एंड T3. ठीक है, अब रिलेशन ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, यहां वी और थ्री डिफरेंट टेम्परेचर सेमी मेटल के लिए, ये मान लो T1, T2 और ये T3. आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है. वी वर्सेस क्या दिया हुआ है, वी वर्सेस आई ग्राफ दिया हुआ है. ठीक है, तो ओम्स लॉ से जो रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो इसी टाइप से पूछा जा सकता है कि ग्राफ दिया हुआ है तो रिलेशन क्या होगा, टेम्परेचर में रिलेशन क्या होगा. तो आपको याद रखना है यहाँ क्या कि वी वर्सेस आई ग्राफ दिया हुआ है तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप. एंड आपको मैंने जैसा कि बताया था कि फॉर कंडक्टर रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर. आगे हम देखेंगे जब टेम्परेचर में एग्जैक्ट रिलेशन लिखेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा. ठीक है, तो V वर्सेस I ग्राफ से क्या मिलेगा, V वर्सेस I ग्राफ दिया हुआ है तो स्लोप से क्या मिलेगा, रेसिस्टेंस मिलेगा. यदि I वर्सेस V ग्राफ दिया हुआ है तो स्लोप से क्या मिलेगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस मिलेगा. रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप से क्या मिलेगा, रेसिस्टेंस मिलेगा. ठीक है, यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा और करंट उतना ही क्या होगा, कम फ्लो होगा. क्योंकि रेसिस्टेंस इज द property of an object because of which it opposes the flow of current through it. Greater the value of resistance, smaller will be the current flowing through it for given potential and vice versa. ठीक है, क्या होगा, vice versa. तो आपको ये चीज ध्यान में रखना. इसके बाद एक और देखो क्या है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली और भी कुछ पॉइंट हम देख लें. तो ये क्या है, होमवर्क है, आपको ये सॉल्व करके भेजना है इसका सॉल्यूशन. ठीक है, दूसरा देखो क्या है कि वी इक्वल टू, अब हम वी इक्वल टू दिया, देखो यही क्या है, कंडक्टर है, इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है आई, दिस इज कंडक्टर. ठीक है, आई और एक है तो यहां ए भी दिया होगा, ए एंड हम ए मान लें, अगेन ए बी मान लें, तो हमने लिखा है वी इक्वल टू वी ए माइनस क्या होगा, वी बी. याद रख, तो अभी हमने क्या लिखा, आई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू क्या होगा, आई आर. ठीक है, तो यहां से बहुत सारे पॉइंट भी मिलते हैं, है ना, कि फॉर गिवन पोटेंशियल डिफरेंस करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा. तो हम यहां ग्राफ यदि ड्रॉ करें, क्या है, आई वर्सेस क्या है, आर एट कॉन्स्टेंट क्या होगा, कॉन्स्टेंट वी. तो इससे देखो क्या मिलेगा, रेसिस्टेंस जो होगा वो क्या, करंट वर्सेस ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. हम बोल सकते हैं ग्रेटर द, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ग्रेटर द क्या होगा, एट कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट या फॉर गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, हम लिख सकते हैं यहां फॉर गिवन पोटेंशियल डिफरेंस करेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रेसिस्टेंस. ग्रेटर द वैल्यू ऑफ क्या होगा, एज आर इंक्रीजेस, है ना, आई डिक्रीजेस, एस आर डिक्रीजेस, आई इंक्रीजेस. ठीक है, फॉर गिवन
कि आपको इसके बाद क्या है कि फॉर गिवन करंट, क्या है फॉर गिवन करंट, फॉर गिवन, फॉर गिवन करंट क्या होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा R, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा R, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ क्या होगा रेसिस्टेंस, मोर विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि H क्या होगा, यहां ग्राफ ड्रॉ करोगे V वर्सेस R और I कांस्टेंट, तो ये क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो फॉर क्या होगा ग्रेटर द क्या होगा, ग्रेटर द रेसिस्टेंस स्मॉलर सॉरी लार्जर, लार्जर विल बी, विल बी पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड वाइसे वर्सा। ठीक है, तो ये भी कभी कभी क्या है पूछा जाता है, जैसे क्या होगा कि R इंक्रीजेस, V क्या होगा इंक्रीजेस, है ना, यदि R डिक्रीजेस देन V क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे आप R क्या करोगे बढ़ाओगे, वैसे वैसे क्या होगा रेसिस्टेंस भी क्या होगा सॉरी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कंडक्टर क्या होगा बढ़ेगा। कब, जब करंट क्या होगा कांस्टेंट, आई मीन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर को हम क्या करें कांस्टेंट मान लें, तो उनके बीच जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा रेसिस्टेंस के क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा ज्यादा होगा, ग्रेटर द रेसिस्टेंस लार्जर विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस एंड वाइस वर्सा। अब हम क्या रेसिस्टर्स जनरली क्या है कंडक्टर को, कंडक्टर को हम क्या करेंगे रेसिस्टेंस से हम क्या करते हैं कंडक्टर को, एक कंडक्टर का क्या होता है रेजिस्टर होता है, तो उसको उससे हम क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं। तो सिंबल हम क्या, सिंबल ऑफ रेजिस्टर हम पढ़ेंगे, क्या होगा सिंबल ऑफ रेजिस्टर। तो यहां देखो क्या लिखेंगे सिंबल, सिंबल ऑफ रेजिस्टर। अब कभी कभी क्या है ऐसे भी, मोस्टली बुक देखोगे तो रेजिस्टर को ऐसे भी डिनोट किया जाता है, यहां इसका रेजिस्टेंस दिया रहेगा आर। ठीक है, ए हुआ और एम बी हुआ, और कभी कभी क्या है ऐसे भी, ए हुआ और बी हुआ, आर रेजिस्टेंस दिया रहेगा। किसी भी कंडक्टर को हम क्या करते हैं एक रेजिस्टर से क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं, है ना, कंडक्टर इज रिप्लेस बाय क्या होगा रेजिस्टर। तो हमने क्या किया, एक कोई कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस एक तो स्क्वायर बॉक्स से दिखाते हैं, और एक क्या है ये सिंबल जो आप जनरली यही सिंबल हम यूज करते हैं, लेकिन आप कोई बुक पढ़ेगा तो उसमें ये भी सिंबल दिया है। ये क्या है, दीज आर द फिक्स रेजिस्टर्स, क्या है फिक्स्ड, फिक्स्ड रेजिस्टर्स। ठीक है, उसके बाद क्या है एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है, क्या होता है वेरिएबल रेजिस्टर। जैसे देखो तो ये फिगर ए मान लो, तो इसमें से हम जनरली ये वाला सिंबल यूज करेंगे, दूसरा क्या है वेरिएबल रेजिस्टर होगा। ठीक है, क्या होगा वेरिएबल रेजिस्टर होगा, तो इस पे ऐसे एरो रहेगा, और क्या होगा ऐसे आई मीन एरो दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है ये वेरिएबल है। तो दीज आर सिंबल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस, क्या है ये किसका सिंबल है वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है। तो ठीक है, उसके बाद कि ऐसा यूनिट आप जानते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट आई मीन रेसिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ
रेसिस्टेंस क्या है, ओम, आई मीन सिंबल एस, ठीक है, डायमेंशन तो आप लिख सकते हो। तो इसके बाद हम पहले, सबसे पहले अभी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि मैंने ये बताया था कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में देखो, तो मटेरियल को दो पार्ट्स, फिर हम आते हैं कि रेजिस्टेंस जो है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, है ना। तो मटेरियल जो होगा क्या होगा, मटेरियल्स के दो टाइप होंगे, एक को हम क्या बोलेंगे, ओमिक मटेरियल, और दूसरे को बोलते हैं नॉन ओमिक मटेरियल्स, ठीक है। दो तरह के मटेरियल होते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर द सब मटेरियल इज फॉलोइंग द ओम्स लॉ या ओबे द ओम्स लॉ, एंड वेदर द मटेरियल इज नॉट ओबे द ओम्स लॉ, ठीक है। उसके बेसिस पे मटेरियल को क्या किया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ओमिक और नॉन ओमिक मटेरियल्स क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम आए रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।